वाह प्यारे तुलसी सिलावट, ज्योतिराज सिंधिया मुख्यमंत्री और तुम उप मुख्यमंत्री, क्या बीजेपी वाले मंदिर का घंटा बजाएंगे या भजन कीर्तन करेंगे? बेचारे शिवराज कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में क्या भर्ती हुए, ज्योतिराज सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत टाइम लगेगा बेटा तुलसी सिलावट। ये बीजेपी है ना, कुछ चने चबवाएगी अभी, तुमको देखते रहना। देखिए बड़ा विस्फोट बहुत जल्दी संभावित है भारतीय जनता पार्टी में। वो लोग जो अपने आप को दरकिनार महसूस कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी का जरा सा पौधा था उसको सींच के वट वृक्ष बनाया है, आज वो अपने आप को अलग पड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा, उनका दर्द सुनने वाला अब बीजेपी में कोई नहीं है। तो मीडिया सबसे अच्छा साथी है, मीडिया के माध्यम से जो दर्द उभर के आता है वो आम जनता तक भी पहुंचता है, और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें संज्ञान ले, लेकिन संज्ञान लेने से बहुत दूर ये निकल चुका है। ये मसला जो विस्फोट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जल्दी एक बड़ा विस्फोट। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।